हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं सुनीता विजन थिंक ग्लोबल इंडिया। आज हम बनाने जा रहे हैं कलाकंद की रेसिपी, जो काफ़ी जल्दी और झटपट बनके तैयार हो जाती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब भी आपका मन करे मीठा खाने का या कोई गेस्ट आने वाले हों, तो आप इस तरीके की रेसिपी आप झटपट बना के उनको खिला सकते हैं और आप खुद भी खा सकते हैं। तो हर वक्त हम फेस्टिवल का क्यों ही वेट करें, जब हमारा मन करे हम तब मिठाई बना के खा सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे पनीर ले लिया है, हमने मार्केट का लिया है, आप चाहे तो घर का भी पनीर ले सकते हैं बना के। और इसके बाद हमने मावा ले लिया है, मावा मेरा 100 ग्राम है। आप चाहे तो इसकी जगह मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क या फ्रेश मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हमने मिल्क डाल दिया है 1/2 लीटर। आप चाहे तो मिल्क कम भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसको बॉयल होने देंगे ताकि थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाए। इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे और अच्छे से दूध को हम बॉयल कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 250 ml भी दूध ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ना थिक करने में कम समय लगेगा। इसके साथ ही साथ मैंने इलायची पाउडर और शक्कर डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इसे हम गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और इसके साथ ही हम इसमें पनीर डाल देंगे जो हमने कंबल क्रश किया था, और साथ ही साथ हमने मावा डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे जिससे ये हमारा दूध, पनीर और मावा कढ़ाई के तल को ना पकड़े। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो दूध है बिल्कुल थिक होने लग गया है, गाढ़ा होने लग गया है। जो कलाकंद की जो मिठाई होती है उसे मिल्क केक के नाम से भी जानते हैं। कई लोग चम्मच से खाना पसंद करते हैं और कई लोग इसे बर्फ़ी के रूप में या मिठाई के रूप में भी खाना पसंद करते हैं। आप चाहे आप इसे किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मिल्क केक बनने वाला है या कलाकंद की जो मिठाई बनने वाली है उसके लिए इतना परफेक्ट होना सही है। इसको हम थोड़ा सा और चला लेते हैं, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दानेदार हो गया है। ये हमारा कलाकंद बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून इसमें घी डाल देंगे। घी डालने से ये होगा ये चारों तरफ चिपकेगा नहीं और चारों तरफ से हमारा कलाकंद छोड़ देगा और इसमें अच्छे से चिकनाहट आ जाएगी। तो ये हमारा काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से कलाकंद आप भी बना सकते हैं। हमें कलाकंद को सॉफ्ट बनाना है और बर्फ़ी के पीसेस में डालना है, तो इसे हम और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, इतना काफ़ी है। आप चाहे तो घर में दूध को फाड़ के भी पनीर बना के अच्छे से कलाकंद की मिठाई बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें कलाकंद की मिठाई बनाना। इसे आप किसी भी फेस्टिवल पे बना के खा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक केक टिन ले लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमने ग्रीस कर लेंगे बटर पेपर के ऊपर। कलाकंद की रेसिपी आप ज़रूर अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और इसके ऊपर से हमने कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता या आपको जो भी पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। एक टिन के नीचे हमने डाल दिया है और ऊपर से कुछ केसर डाल दिया है। और इसके बाद हमने कलाकंद की जो मिठाई हमें बनानी है वो अच्छे से इसमें फैला देंगे और इसको अच्छे से चम्मच की मदद से या फिर आपके पास जो भी है आप उससे अच्छे से फैला के बराबर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने किया ये हमारा बराबर हो गया है। इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि जम जाए। आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं, मैंने इसे 3 से 4 घंटे रखा हुआ था, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर आप रात को बनाते हैं तो। अब इसको चारों तरफ से हम अलग कर लेते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ये दानेदार बना हुआ है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में इसको अच्छे से पलट के थपथपा देंगे और ये अलग हो जाता है, तो आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो बटर पेपर हमने लगाया था उसे अच्छे से हम रिमूव कर देते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और यम्मी दिख रहा है। और इसको हम चाकू की मदद से पीसेस कट कर लेंगे हल्के हाथों से। इस फेस्टिवल ज़रूर आप ये मिठाई बनाएं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमने मिठाई बनाई है, बिल्कुल परफेक्ट पीसेस कटे हुए हैं, कहीं से भी मतलब अलग अलग नहीं है, बिल्कुल दानेदार हमारे कलाकंद की मिठाई बनी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे मैं अलग से प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं
काफ़ी टेस्टी लग रही है, काफ़ी यम्मी लग रही है, काफ़ी दानेदार बनी हुई है। तो ये मिठाई बनाते ही मेरे घर में झटपट ख़त्म हो गई मिठाई। तो जो पीसेस बचे थे वो आपको मैं दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप भी बनाइए। आपने अगर घर में मिठाई बनाई, इसको 4 से 5 दिन तक आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, ज़्यादा दिन के लिए ना रखें। जैसे कि मिठाई मेरी बन गई थी तो मैंने इसे कंटेनर में रख दिया था, और इसको अच्छे से हम एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख देंगे, और इसमें बिल्कुल भी गीले हाथ नहीं यूज़ करेंगे। कभी कभी क्या होता है, बच्चे हमारे छू देते हैं तो मिठाइयाँ क्या दूध की जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो कोशिश करें सूखे हाथ से ही छुएँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।